आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस सत्ता में आई तो माफ होगा किसानों का कर्ज। हमने पाकिस्तान से कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही ये बात। नहीं रहे पुनीत राजकुमार, लेकिन दुनिया देखेंगी उनकी आंखें, पिता की तरह ही किया नेत्रदान। कन्नड़ फिल्मों के पावर स्टार अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन से सदमे में हैं फैंस। एक ने की आत्महत्या, दो की हार्ट अटैक से हुई मौत। क्रूज ड्रग्स मामले में कैद आर्यन खान की जेल से रिहाई, उनके बंगले मन्नत के बाहर खुशी से झूमे फैंस। मन्नत के बाहर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के बीच आर्यन का किया गया स्वागत। प्रतिबंधित पटाखों का हुआ उपयोग तो संबंधित अधिकारी को देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, बल्कि बेरियम साल्ट जैसे प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्सव की आड़ में किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 22 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान, पिता शाहरुख खान के साथ पहुंचे मन्नत। आर्यन खान की बेल में पिता शाहरुख खान की को स्टार रही जूही चावला की अहम भूमिका। पत्रकारों के सवाल पर बोली बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला, खुश हूँ आर्यन जल्द ही घर जाएगा, ये सभी के लिए बड़ी राहत है। देश नहीं छोड़ पाएंगे, पासपोर्ट करना होगा जमा, आर्यन खान को इन शर्तों पर मिली जमानत। आर्यन खान के घर आने की खुशी में जगमगाया शाहरुख का बंगला मन्नत। शाहरुख खान के बंगले मन्नत की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। गोवा में बीजेपी की सरकार बनवाने वाले GFP प्रमुख विजय सरदेसाई आज करेंगे ममता बनर्जी से मुलाकात। उत्तर प्रदेश STF को बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव को किया ढेर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने दिया आम आदमी को फिर झटका, लगातार चौथे दिन बढ़ गए हैं दाम। रेलवे का दिवाली और छठ पर यात्रियों को तोहफा, दिल्ली मुंबई से बिहार आने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनें। मैं तो जादूगर था इसलिए काम चल गया, सरकार 5 साल चलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल अपनी सरकार पर आए संकट को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब में भी ईमानदार सरकार देंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। बठिंडा में व्यापारियों से बोले केजरीवाल। देश में 2020 में आत्महत्या के 1.53 लाख मामले, 10,000 से अधिक मामले कृषि क्षेत्र से जुड़े। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता यूसुफ हुसैन का शनिवार यानी आज सुबह कोविड-19 से हुआ निधन, निर्देशक हंसल मेहता बोले मैं अनाथ हो गया। यूसुफ हुसैन के निधन पर अभिषेक बच्चन से लेकर मनोज बाजपेयी तक हुए भावुक, अभिनेता को दे रहे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य से तेज चमक निकलने की जानकारी दी है। इसका असर ये होगा कि शनिवार को पृथ्वी से एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या भूचुंबकीय तूफान टकरा सकता है। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 20.27। धन्यवाद।